वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स पहले तो ये चीज, मैट्रिक्स का वीडियो जाके देख लो कि मैट्रिक्स क्या होती है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब उन्हीं का कोई भी दो मैट्रिक्स लेंगे अपन और उनका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते अपन, तो दो मैट्रिक्स ले लेते अपन। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, -1, 2, 4, 6, 7 4-8। सिमिलरली एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं 3, 2, 6, 1, -1, 3, -2, -4, 7। ठीक है, क्लियर है। ये दो मैट्रिक्स है, ये ले लिया अपन ने। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कैसे। तो पहले तो एक बड़ी सारी मैट्रिक्स बना, ये अपन ने एक बड़ी सारी मैट्रिक्स बना। ओके, आप क्या करेंगे कि फर्स्ट जो रो है, पहली जो रो है, ये रो होती है और ये कॉलम्स होते हैं ना। तो जो फर्स्ट जो रो है, ये इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है, मतलब 1 × 3, यानी कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, फिर तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से, -1 × -2। और माइनस की जो भी वैल्यू उनको क्या लिखें, ब्रैकेट में लिखें, ताकि पता लग सके कि प्लस है या माइनस है। ठीक है, फिर सिमिलरली अब जगह छोड़ देंगे, क्योंकि मैट्रिक्स है, जैसे कि यहाँ जगह छोटी हुई है ना, उसी तरीके से मैट्रिक्स के अंदर जगह छोड़ेंगे अपन। तो अब फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से क्या करेंगे, फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से करेंगे। तो 1 × 2 + 3 × -1 + -1 × -4। ठीक है, सिमिलरली लास्ट वाले कॉलम को भी कर देंगे ऐसे ही। तो 1 × 6 + 3 × 3 + -1 × 7। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली अपन पूरा का पूरा कर देंगे। ठीक है, आप इनको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए छोटा सा बना लेते हैं। 3 × 1 = 3 - 2 × -1 + 2 + 2 + 2 + 2। ठीक है, क्लियर है। 2 × 1 = 2 3 × -1 - 3 - 1 × -4 + 4 ही, तो ये प्लस का 4। सिमिलरली 6 + 9 - 7। ठीक है, क्योंकि -1 × 7 = -7। 2 × 3 = 6 + 4 - 12। 4 - 4 - 24। 12 + 12 + 42। 21 + 4 + -8 or -2 - +16, और ये प्लस का है ही, तो ये 16। 7 × 2 = 14 - 4, और -8 or -4 + 32, तो ये प्लस का 32। सिमिलरली 42 + 12 - 56, -8 × 7 - का आंसर आएगा, तो -56। ठीक है, तो 3 × 3 = 6 और 2 = 8, ये पहली पोजीशन। 4 × 2 = 6, 6 में से 3 = 3, 9 × 6 = 15, 15 में से 7 = 8, 6 × 4 = 10, 10 में से 12 = तो -2। देखो, +10 - 12, तो -2। 4 से 4 चला गया, 0 हो गया, तो -24 रह गया। 12 × 12 = 24, 24 × 42 = 46, 21 × 4 = 25, और 25 × 16 = 41, 41, 14 × 4 = 10, 32 × 10 = 42, और 42 और 12 हो गया अपने पास 54,
54 में से 56 किया तो माइनस का 2, तो ये अपने क्या आएगी फाइनल मैट्रिक्स बन के आएगी। तो ये क्या आया अपने पास, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मेथड यही चलेगा कि पहले क्या करेंगे, ये रॉ होगी इस रॉ को इधर, यानी कि जो भी पहले लेंगे ना अपन उसकी रॉ को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको उल्टा भी कर दूं, जैसे मान लो अगर मेरे पास होता 3, 2, 6, 1, -1, 3, -2, -4, 7 और इसको मल्टीप्लाई कर रहा होता 1, 3, -1 से 2, 4, 6 और 7, 4 और -8, अगर ऐसा करता तो भी मैं यही करता, क्या करता, ये रॉ लेता और इसका कॉलम लेता। मेथड यही चलेगा हमेशा, जो पहले होगा ना उसकी रॉ ली जाएगी और उसके कॉलम लिए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस माइनस आना चाहिए। अगर प्लस माइनस नहीं आ रहा हो तो जरूर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है तुमको।